वहाँ उसमें सपा की सरकार में लोग बाग बनाते थे, स्टेज पे डांस करवा रहे हैं, 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक जन्मदिन पार्टी के लिए। महाराज जी तो नहीं कर रहे, वो सबको पैसा जनसंख्या में लगा रहे हैं ना, सब लोगों को फायदे में लगा रहे हैं ना पैसा, तो क्यों ना आए, हम उनका पक्ष क्यों ना रखें। विपक्ष में आपको सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी कौन सी दिखी? अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के कई बड़े चेहरा जो कि सपा के साथ आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी आए थे कांग्रेस, बीएसपी सब एक साथ हो गए थे, बुआ फूफा सब एक साथ थे, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, इस बार भी ऐसा ही है। योगी जी का बयान आया है कि 2024 से पहले हिंदुवादी राष्ट्र बनाना चाहिए। भाई सबके अपने विचार हैं, मैं मुसलमान हूँ तो करा तो, 2020 से पहले तो फिर जातिवादी, फिर तो जातिवादी स्टार्ट हुआ राजनेता की तरफ से ही, मीडिया तो बस विचार रख अपने विचार हैं वो रखे। हम वही तो, मैं वही तो, हम चाहते हैं कि 2021 में मुस्लिम कंट्री बन जाए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये नहीं बोला है कि उन्हें मुसलमान हटाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं के पक्ष में बनना चाहिए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो किस क्या क्या नाम होना चाहिए हिंदुस्तान का? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब जब यहाँ पर बंटवारा हुआ था, यहाँ पर कुछ लोग जो मोमडन रह गए थे उनसे ये थोड़ी बोला था कि आप ये इतनी आबादी बढ़ाते चले जाओ, जनसंख्या पर कोई नियंत्रण ही ना हो। और जन अब एक एक मोमडन भाई के 10-10, 20-20 बच्चे हैं, उनका क्या है? एजुकेशन है उनके पास? नहीं है। उनको कौन पाल रहा है? सरकार पाल ली है ना। उन एक ऐसा मोमडन भाई बताओ जो या एजुकेशन दे रहा हो, है किसी के पास? नहीं है। क्या करेंगे? चोरी, डकैती, लूटपाट, यही है ना। आप कितनी भी जेलों में उठा के देख लो, 90% आपको मोमडन मिलेगा। क्यों? 100% आतंकवादी मोहम्मदन मिलेंगे। नहीं नहीं, आतंकवादी छोड़ो, क्यों मिलते हैं वो लोग? क्योंकि कोई उनके पास रोजगार नहीं है, सिर्फ आबादी पैदा करना है। तो इसलिए महाराज जी ने ये बोला है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जनसंख्या में नियंत्रण कानून होना चाहिए, सबके फायदे की बात है। तो इसमें सरकार आने में अगर आ भी जाती है, आएगी वैसे तो, अगर आ भी जाती है तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए हर इंसान को। हिंदू राष्ट्र बनने में फायदा है, यहाँ के जो मोमडन लोग हैं उनको भी फायदा है और हिंदू राष्ट्र बनने में ही फायदा है। तो जो चुनाव आ रहा था, इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा? कहीं से लगा कि 4.5 साल से ज़्यादा हो गया योगी जी का राज, आपको क्या लगा? विकास का काम हुआ या फिर नहीं हुआ? आप तो ये खुद भी, आप सारे लोग यहाँ पर समझदार हैं, विकास में यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर देख लीजिए, सड़क का निर्माण देख लीजिए आप, और आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, हॉस्पिटल के मामले में देख लीजिए, विकास ही तो है। आप यहाँ पे कम से कम 31 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए गए, किसके लिए? आबादी के लिए है, हम लोगों के लिए है। वहाँ उसमें सपा की सरकार में लोग बाग बनाते थे, स्टेज पे डांस करवा रहे हैं, 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक जन्मदिन पार्टी के लिए। महाराज जी तो नहीं कर रहे, वो सबको पैसा जनसंख्या में लगा रहे हैं ना, सब लोगों को फायदे में लगा रहे हैं ना पैसा, तो क्यों ना आए, हम उनका पक्ष क्यों ना रखें। सपा है समाज, वो बीएसपी है, बीएसपी ने मंदिर बनवा दिया, अपने हाथी लगवा रही, क्या जरूरत थी हाथी लगवाने की, क्या जरूरत थी पैसा लगवाने की फालतू, तो पार्क बनवाने की? उन पैसों को जनसंख्या आप लोगों के, हम लोगों के उसमें करें ना खर्च, वो महाराज जी तो नहीं कर रहे ना। तो इसलिए हम चाहते हैं महाराज जी की सरकार आए और द्वारा सब लोगों का फायदा हो। विपक्ष में आपको सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी कौन सी दिख रही है? अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के कई बड़े चेहरा जो कि सपा के साथ आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी आए थे कांग्रेस, बीएसपी सब एक साथ हो गए थे, बुआ फूफा सब एक साथ थे, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, इस बार भी ऐसा ही है। और जो बीजेपी का वोट बैंक इस बार और बढ़ेगा। कौन सा पार्टी बाजी मारेगा इस बार चुनाव में? बीजेपी। इतिहास रहा है कि लगातार दूसरी बार यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना, रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार। बना है, क्यों नहीं बना? दो बार लगातार मुख्यमंत्री बना, अखिलेश बना, मायावती बनी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि महाराज जी इस बार जीते, तीसरी बार भी जीतेंगे वो, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तीसरी बार भी जीतेंगे, क्या दिक्कत है? वोट तो केवल इनकाउंटर पे मिल रहे हैं भाई, हम काम को वोट दे रहे हैं, किसी पर्सन को वोट नहीं दे रहे हैं। दूसरी एक चीज और, सबके अपने अपने परिवारों में, सब ने अपने अपने परिवार वालों को ही वोट दिया, पैसा संपत्ति इकट्ठी करी है, महल बनवा रहे हैं। महाराज जी तो तब भी मंदिर में, अब भी मंदिर में, नहीं रहेंगे तब भी मंदिर में, उनका क्या जाएगा? जा तो हम लोगों का रहा है ना भाई। आप लोग सब लोग मचा रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई,
क्या ऐसा पहले महंगाई नहीं थी किसी के लिए? उसके अनुसार रोजगार भी तो होगा। सिंपल सी बात है, बीजेपी आनी चाहिए, सबका लोगों का फायदा है। महंगाई आपको क्या लग रहा, चरम सीमा पे है फिर जो एवरेज होता है वो है? एवरेज है, इस लोग कमा रहे हैं तो महंगा का पैसा दे रहे हैं, अगर नहीं कमाएंगे तो कहाँ से दे देंगे? कमा रहे हैं तो महंगाई आ रही है ना, और दूसरा एक टैक्स भर रहे हैं ना, टैक्स के अनुसार सब होता है। और ये सारा जो है लोगों के भरोसे को परी है, और हम चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी ही सरकार आए।